Study perfect knowledge is power. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्टडी परफेक्ट। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो रेलवे की जो वैकेंसी आई है NTPC, उसमें हम सिलेबस देखेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए वो देखेंगे, पूरा पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड आपको किस टॉपिक में मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा फोकस करना है उस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपको इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और आप हमारे साथ, आपको नए नए जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये वैकेंसी 2019 की आई है दोस्तों, CN1, आपको ये पता होना चाहिए CN1 है, क्योंकि CN2 वो पैरामेडिकल के लिए है दोस्तों। तो ये है दोस्तों CN1, मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसकी फुल फॉर्म ये होती है दोस्तों NTPC की। सबसे पहले अब आते हैं इसमें दोस्तों, तीन स्टेज होगी, स्टेज 1, स्टेज 2 और टाइपिंग टेस्ट। दो तीन एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी सबों में दोस्तों टाइपिंग है, और एंड में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हल्के में ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्यों अधिकतर स्टूडेंट इसमें बाहर हो जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अब इसमें टोटल दोस्तों पोस्ट आपको पता होनी चाहिए, टोटल 13 पोस्ट हैं दोस्तों, 13 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है ये सिर्फ 12th लोग लेवल स्टूडेंट के लिए है, और ये पोस्ट है ग्रेजुएशन। अब जो बंदे ग्रेजुएशन है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते, बट जो सिर्फ 12th है वो सिर्फ इसी में ही कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर में वो सिर्फ इसमें कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में इसमें कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर है और इसी साल आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो सकती है तो आप इसमें भर सकते हैं दोस्तों, दोनों में आप एलिजिबल हैं। ये तो हो गया इसमें, और आपको पता होगा ये इसमें 7 पे लगेगा कमीशन। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए किस के लिए डारा की आपको, मतलब टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, तीनों में दोस्तों ये टाइपिंग टेस्ट है। अब जिसके आगे डेस्क लिखा है ना दोस्तों वो डायरेक्ट होगा, जिसमें से ये ट्रेन क्लर्क, कॉमर्सर का जो टिकट कलेक्टर जो काटता है वो, एंड गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्सर, टिकट क्लर्क, जैसे आप चेकिंग करने जाते हो वो जो चेकिंग करते हैं ना, उसमें वो पोस्ट है, सबके अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, आपको प्रिफ्रेंस भरना पड़ेगा दोस्तों उसमें। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये टोटल 13 पोस्ट है, आपको प्रिफ्रेंस बहुत ही सोच समझ के भरना होगा दोस्तों, क्योंकि इस पर ही सारा खेल है दोस्तों। अगर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो आपको पहले प्रायोरिटी वो मिलती है। अब NTPC का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें दोस्तों मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड GS यानी जनरल साइंस एंड GK जनरल अवेयरनेस पूछे जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस आएगा। दोस्तों इस बार आपको GK बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हर कोई पढ़ेगा, बट GS इस बार जो 40 नंबर का दे रखा है, जो बड़ा बहुत बड़ा पोर्शन है, और जो उसका नेक्स्ट CBT 2 है उसमें भी कई हद तक आपका GSE पर डिपेंड करेगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का ये पेपर होगा दोस्तों, 100 मार्क्स का होगा ये, 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 सवाल कटेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों, और टोटल मिलाकर आपके 4 नंबर गलत हो जाएंगे। ये तो हो गया, अब आता है दोस्तों CBT 2। अब आपने एक बार कैलकुलेशन की होगी जनरल साइंस की, वो 40 और ये 50, मतलब 90 नंबर की, तो दोस्तों आपके सिर्फ GS है तो बहुत ही बड़ा पोर्शन है, और 95 नंबर की आपके दोनों मिलाकर आपके मैथ्स एंड रीजनिंग है, तो आपको वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों सब विषय पर, क्योंकि 90 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं दोस्तों, 95 तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सब पढ़ेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप
इस पे ज़्यादा फोकस करें। अब आगे आइए आगे, तो दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बता रखा है ऊपर पूरा, मतलब पूरा पूरा बता रखा है ऊपर, आपके जो 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से ये आप देख लेना, ऊपर अच्छे तरह समझा रखा है दोस्तों। इसमें आपको समझ में आया तो ठीक है, जनरल नॉलेज 40 30 30 और मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें आपको मैथमेटिक्स में पहले सबसे ज़्यादा ज़्यादा आपको किस पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, आप शुरुआत के टॉपिक को छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब दोस्तों पहले उनको बाद में प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहले आप एलजिब्रा ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट वाला जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री एलजिब्रा ज्योमेट्री की ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी सबका एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि नॉर्मल आता है दोस्तों, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है। बट आपका जो रेटिंग होती है आपके फास्ट करने की रेटिंग, उस पर डिपेंड करता है पेपर का लेवल। अब जनरल इंटेलिजेंस में जो जो इंटेलिजेंस में आएगा उसमें आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग मैप्स एंड जो जो इंटरप्रिटेशन जो ग्राफ्स होगा उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एनालॉजी इजी आएगा दोस्तों, जिसमें से आपको अब एक इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग तो नॉर्मल पूछा जाएगा। एक दोस्तों आप मिरर, जो मिरर इमेज है आपको मिरर इमेज सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसको सबसे ज़्यादा आजकल में नॉन वर्बल ज़्यादा ही पूछी जाती है दोस्तों। नॉन वर्बल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उससे नॉर्मल पूछे जाते हैं, एस एस एम ई प्लस RRB में, दोनों में। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों एलजेब्रा ज्योमेट्री इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके लिए देख लेते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों। और ये रही बात इसमें जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर में करना चाहिए। और ओबीसी के लिए तो 40 जनरल ओबीसी के लिए 40 नंबर कम से कम लाने हैं दोस्तों। और बाकी एसटीएससी के लिए 25 30, एसटी के लिए 25 है और एसटी के लिए एससी के लिए 30 है दोस्तों। मतलब जब नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का 30% निकाल दीजिए उसका, आपको उतने क्वेश्चन आपको कम से कम राइट करनी है। अब गणित के लिए दोस्तों 2 बुक सबसे बेस्ट बुक है, ऐसे 3 बुक बताऊंगा मैं दोस्तों, में यहाँ पे 2 ही दे रखी है। सबसे पहले है दोस्तों ये RS अग्रवाल की अंक गणित है, इसमें आपको तो हार्ड बुक है दोस्तों, बट आपको पहले शुरुआत रामनिवास मथुरिया से करनी चाहिए। रामनिवास मथुरिया अच्छी बुक आती है दोस्तों, ये मैथ्स की, इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। और दूसरी ये SSC की मैथमेटिक्स में, इसमें 7100 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी तक के सारे, आपको इसका रिवीजन करना है। और पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद में फिर आप ये SSC की मैथमेटिक्स कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और अगर आपका रामनिवास मथुरिया जो ब्लू कलर की है, जो मैंने पटवारी का वीडियो दे रखा है उसमें वो किताब बता रखी है दोस्तों, आप वो वीडियो भी देख लीजिए पटवारी का, राजस्थान पटवारी के लिए। अब आती है दोस्तों रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए दोस्तों इसमें फिर 3 बुक बताऊंगा मैं। एक तो ये SSC की जो किरण पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग की, ये बुक अच्छी है। और ये वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए दोस्तों RS अग्रवाल की बेस्ट बुक है दोस्तों। और एक आती है अजय चौहान की बुक आती है, जो ग्रीन कलर की होगी दोस्तों, वो भी बेस्ट बुक है दोस्तों। और आपको लास्ट बुक की दो, इसमें सेकेंड लास्ट बुक जनरल, एक तो आपको ल्यूसन पढ़नी है जो हर स्टूडेंट के पास होती है दोस्तों, जो नॉर्मल बुक मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, जो मेन बुक है वो बताऊंगा मैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, रेलवे सामान्य विज्ञान है और ये सामान्य अध्ययन, इसमें बुकों में क्या आता है दोस्तों, अभी तक जितने रेलवे के पेपर हुए सारे सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये जनरल साइंस के दे रखे हैं। ये दो आपको बस एक बार देख लेना दोस्तों, इसमें से आपको कम, आपका अगर एक शिफ्ट में पेपर है तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। बट आपको ल्यूसन की भी पढ़नी है और ये दोनों पढ़नी है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पूजा की बुक आती है दोस्तों, सामान्य ज्ञान, जो सिविल सर्विस परीक्षा के लिए है, बहुत जड़ी बुक है 2019 की, आप ये ले लीजिए, आपके सारे सवाल जितने भी प्रॉब्लम होंगे सब दूर हो जाएगी दोस्तों, ये बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा हुआ, अब हम मैथ्स के वीडियो डालने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर हमारा मैथ्स का वीडियो कराए, तो हम आज से मैथ्स का वीडियो करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको मैं डाल अपलोड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे, उसका दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।